हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे, खूब मन लगा करके पढ़ रहे हैं। एग्जाम का डेट बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए फाइनल अपनी स्ट्रेटेजी बना करके, एक बहुत स्केड्यूल अपना परफेक्ट बना करके आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। रूटीन आपका एकदम कसा हुआ होना चाहिए ताकि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्लानिंग है, उसके अनुसार आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसीलिए एक आपका जो फिक्स रूटीन है, सुबह जगने से लेकर के रात में सोने तक का, वो इतना पैक्ड होना चाहिए कि फालतू के कामों के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो। इसलिए अपने काम को एक जगह बांधिए, अपने आप को सुबह में जगने के साथ ही एक वेल मेंटेन रूटीन अपना फिक्स करिए कि पूरे दिन में आपको कितने चीजों को पढ़ना है, आपको हिस्ट्री के लिए कितना समय देना है, आपको साइंस के लिए प्रीलिम्स। देखो, बीपीएससी का बहुत चैलेंजिंग नहीं है, बहुत अनसर्टेन नहीं है, फिर भी जैसा कि एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हैं तो जो 5% अनसर्टेनिटी रह जाती है बीपीएससी की प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए जो आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का जो रूटीन है, उसको इतना वेल मेंटेन और वेल प्लान्ड कर लीजिए। सुबह में जगने से लेकर के रात में सोने तक में हिस्ट्री को कितना समय देना है, साइंस को कितना समय देना है, करेंट अफेयर्स को कितना पढ़ना है, पॉलिटी में कौन कौन सा पोर्शन आपका वीक रह गया है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो जिन पोर्शन में आपका नंबर कम आ रहा होगा, आप ऑटोमेटिक जान रहे हैं कि वो आपका वीक पोर्शन है, इसलिए उन पोर्शन पर ज्यादा समय दें। जैसा कि सभी लोग जान रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है, बिहार स्पेशल के 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में ऐसा पिछला ट्रेंड जो देखा जा रहा है, 30 प्रश्न साइंस का आएगा ही आएगा, करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर इन्हीं चार सीरीज को आप ढंग से पढ़ लेते हो तो 120-125 नंबर तो केवल यही से आपका आ जाता है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री। इतना पढ़ लेने पर ही आपका जो रिजल्ट होता है वो सिक्योर हो जाता है। अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी पर थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो 110% आपका फिक्स हो जाएगा कि रिजल्ट है ही, रिजल्ट होगा ही। इसलिए एक बेहतरीन बेहतर प्लानिंग करिए, एक वेल मेंटेन रूटीन बनाइए, और रात में जब सोने के लिए आप अपने बेड पर जाइए तो सुबह का बनाया हुआ जो आपका स्केड्यूल है, आपका जो रूटीन है, वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए, वो पूरा हो जाना चाहिए, तभी जाइए और जाकर के बेड पर सोइए। ठीक है? तो नींद को आज के समय में थोड़ा कम करिए, ज्यादा देर जो सोने की लत लगी हुई है उसे अपने जीवन से दूर करिए, और 1 महीने की ही बात है, और जो 25 दिन 1 महीने का समय है उसको बहुत मेहनत करके, पूरे मजबूत कर करके अपने आप को अचीव करिए, इस बार निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। तो जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं, सारे लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को का गुड इवनिंग। पायल झा यादव, अभी प्रीति भारती, रजनीकांत कुमार, प्रीति भारती,
जेवा फिरदौस, जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं, अमित कुमार, प्रिया सिंह, लाली कुमारी, जुल्फेकर अंसारी, शिखा सिंह, प्रिया झा, चलो सारे लोगों को गुड इवनिंग। जितना जिनका नाम लिए उनको भी गुड इवनिंग, जिनका नाम नहीं ले पाए उन सारे लोगों को गुड इवनिंग। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के साइंस के सीरीज को शुरू करते हैं। तो आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर लेकर के आप रहिएगा, ताकि जो भी एडिशनल, आज बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके पूरे के पूरे प्रिपरेशन को एक बूस्ट करेगा, बूस्टर डोज की तरह आपको काम करेगा। तो हाथ में दोस्त कॉपी और पेन लेकर के आप जरूर बैठिएगा, ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप लिख सके। चलिए आज के क्विज सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आराम से उत्तर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। चार वैज्ञानिकों का नाम स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी, मुस्कान यदुवंशी कह रहे सर बायोलॉजी बहुत हार्ड लग रहा है। हार्ड कहां है, बायोलॉजी को तो इतना हमने स्मूथली आपको पढ़ाया है कि अगर ध्यान से आप देखें मेरे प्रीवियस सीरीज को तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, निम्न विद्वानों में से किस एक विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। ऑप्शन ए है जेम्स जीन्स, बी है एच एल्विन, सी है एफ हॉयल, डी है ओ स्मिथ। फटाफट बताइए किस वैज्ञानिक ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों से हुई है। फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, सारे लोग पार्टिसिपेट करिए, जितने सारे लोग सीरीज को देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करिए और टाइप करके अपने आंसर को भेजिए, ताकि आपको वो चीज याद हो जाए पूरा का पूरा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलो, तो लगातार अलग अलग आंसर आ रहा है, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ई कह रहे हैं, ज्यादा लोग डी कह रहे हैं, देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एफ हॉयल। एफ हॉयल जो थे, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, गैसों से और धूल कणों से हुई है। तो याद कर लीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो गैसों से और धूल कणों से हुई है। इस बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एफ हॉयल। एफ हॉयल ने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। तो जितने सारे लोगों ने आंसर सी दिया है, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दो, ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, कौन ऐसे व्यक्ति हुए जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले उतरे थे। फटाफट कमेंट कर करके आंसर दीजिए, चंद्रमा के सतह पर आने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। नेहा शर्मा आज शुरुआत ही गलत है, कोई बात नहीं है, गलत है, ठीक है, सही करो उसको, सुधारो। जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को एक बार लाइक करिए, और ये इंफॉर्मेशन आपकी ड्यूटी है और ये मोरल ड्यूटी है कि जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बिहार एसआई मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर वनडे एग्जाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सेशन फ्रूटफुल है। तो सारे लोगों तक कम से कम शेयर जरूर कर दीजिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति, पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे। फटाफट बताइए। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग जो थे यह चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए एक प्रश्न मेरा आपसे है, यहां पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी यूरी गागरीन, और यह प्रश्न मैंने पहले भी पूछा है, यूरी गागरीन को किस लिए जाना जाता है। ठीक है, मेरा प्रश्न आपसे है, यूरी गागरीन जो है इन्हें किस लिए जाना जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, यूरी गागरीन को किस लिए जाना जाता है, फटाफट बताओ। हाँ, चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, और अगला क्वेश्चन है, यूरी गागरीन को किस लिए जाना जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, यूरी गागरीन को। वेरी गुड, याद कर लो ये क्या थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, फर्स्ट मैन इन स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले यह क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अंतरिक्ष में
एक घंटा 57 मिनट के आसपास समय बिताया था। ठीक है, तो यूरी गागरिन जो थे यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लगभग 1 घंटा 57 मिनट का समय स्पेस में अंतरिक्ष में बिताया था। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने आंसर दिया है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही है। चलो अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 3 फटाफट बताइए। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। अब चलिए कमेंट सेशन पर कम ध्यान का, केवल आप वही लिखिए। अब गुड इवनिंग का सेशन खत्म करिए, आंसर दीजिए फटाफट। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने सी आंसर दिया है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, संताप मंडल और फिर मध्य मंडल, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। सूर्य से तीसरा ग्रह, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है क्योंकि बीपीएससी भी कई बार बच्चा वाला भी प्रश्न पूछता है। आपको याद होगा अगर आपने 65th बीपीएससी दिया होगा तो आपको याद होगा कि कुछ प्रश्न साइंस का, देखो जो 30 प्रश्न बीपीएससी पूछता है उसमें से 15-17 प्रश्न एकदम बच्चा वाला रहता है जो आसानी से बन जाएगा। अब सोचिए धरती का, हमको लग रहा है कि सबसे आसान प्रश्न बीपीएससी पूछ दिया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, ये कौन नहीं जानता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी समय उसकी माँ उसको सिखा देती है कि बबुआ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये प्रश्न बच्चा वाला बीपीएससी पूछा हुआ है, तो बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत तनाव नहीं लेना, बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है और सारा आप सही करके आइएगा। फटाफट बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? फटाफट उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में सारे लोग टाइप करके दीजिए। हाँ वेरी गुड, कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। कौन सा है? अर्थ है। ठीक है, यहां पर मान लो क्या हो गया, बीच में सूर्य हो गया, तो सूर्य के चारों ओर जो हेवेनली बॉडी रिवॉल्व करते हैं उन हेवेनली बॉडी को हम लोग हिंदी में ग्रह कहते हैं और अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लैनेट्स का जो डेफिनेशन है वो ये है, द हेवेनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के जो चारों ओर घूमे उसको कहते हैं सैटेलाइट, उपग्रह। द हेवेनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, व्हाइल द हेवेनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट। क्लियर है? तो सैटेलाइट किसके चारों ओर घूमेगा? प्लैनेट्स के। प्लैनेट किसके चारों ओर घूमेगा? तो सूर्य के। तो सूर्य के सबसे नजदीक में मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इस सीरीज में सारे के सारे ग्रह जो हैं वो अरेंज्ड है, तो तीसरा ग्रह क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5, फटाफट बताइए। प्रश्न संख्या 5, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश के आने में लगभग कितना समय लगता है? यह बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ करके बताइए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है, फटाफट बताइए, लगातार आंसर आने लगा, सी 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 लगातार आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए है 4 मिनट, 4 मिनट है, 2 मिनट है, 8 मिनट है और 16 मिनट है। फटाफट बताइए, देखो अलग अलग आंसर आ रहा है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, पृथ्वी, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग समय लगता है 8 मिनट 3 सेकंड का। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड का। तो यह प्रश्न जब बीपीएससी ने पूछा था तो सेम ऑप्शन यही वो डाल करके रखा था, लेकिन जो मान्य उत्तर था इस प्रश्न का वो था ई। बीपीएससी का जो ई ऑप्शन होता है बड़ी खतरनाक होता है। ठीक है, तो 8 मिनट जो आप बता रहे हैं आप नियरेस्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन बीपीएससी ने क्या माना था? ई ऑप्शन माना था। ठीक है, चलो तो ई जितने लोगों ने टिक किया है और ये डेटा आप याद रखेंगे, 8 मिनट 3 सेकंड का लगभग समय लगता है सूर्य के प्रकाश को कहां आने में? पृथ्वी पर आने में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6, ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 6, दो ग्रह का नाम बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है, दो ऐसे प्लैनेट जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है, बताइए।
दो ऐसे उपग्रह का नाम बताइए जिनके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं हैं। बताओ, फटाफट बताओ। दो ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बुध और शुक्र। क्या आंसर हो जाएगा? बुध और शुक्र। बुध को हम लोग मरकरी भी कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी एंड वेनस। मरकरी और वेनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह, कोई सैटेलाइट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। और सबका स्थान हमने बता ही दिया किस सीरीज में, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इस तरीके से है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ठीक है, रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग आप सब समझ रहे हैं, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है, बहुत दूर तक जाता है, वहां से कैच करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और घर बैठे हम लोग सुनते हैं, विविध भारती, रेडियो मिर्ची, सब सुनते हैं ना जी। तो वो जो तरंग होता है, वो तरंग वायुमंडल के किस स्तर से विक्षेपित होता है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, किस स्तर से विक्षेपित होता है? वायुमंडलीय तरंग जो है, रेडियो तरंग जो है, वो वायुमंडल के किस स्तर से विक्षेपित होता है? किस स्तर से विक्षेपित होता है? वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने डी आंसर टिक किया है, सभी लोगों का सही है, आयन मंडल से। और आयन मंडल को हम लोग आयनोस्फेयर भी कहते हैं। यहां से रेडियो तरंग जो है वो कहां पर आता है? वापस आकर के रेडियो को कैच करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, उल्का क्या है? उल्का जो होता है वह क्या है? उल्का क्या है? ऑप्शन ए है तीव्र गति से चलता तारा, बी है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य के अंश, सी है तारामंडल का भाग, या फिर डी है पुच्छहीन धूमकेतु। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? उल्का क्या होते हैं? उल्का क्या होते हैं? व्हाट इज एस्ट्रॉइड्स? लगातार आंसर आ रहा है डी, लगातार आप लोगों का आंसर आ रहा है डी, तारामंडल का भाग। ये कैसे होगा? ध्यान से पढ़ करके उत्तर दीजिए। उल्का क्या है? उल्का क्या है? ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ध्यान से पढ़ करके क्या होगा? जितने लोगों ने बी आंसर टिक किया है, सभी लोगों का सही है बी। उल्का जो होते हैं वो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाले बड़े अंश होते हैं। ठीक है, आप सुनते हो कि उल्का पिंड जब पृथ्वी की तरफ आता है, और जैसे ही पृथ्वी के बाह्यतम स्पेशली आयन मंडल में जैसे ही प्रवेश करता है, तो वहां पर उसका फ्रिक्शन इतना ज्यादा लगता है कि वहीं पर जल करके खत्म हो जाता है। ठीक है, और पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ था उसमें भी इन उल्का पिंडों का बहुत बड़ा योगदान था। पृथ्वी जिस समय बना, आज से 4 साढ़े 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी बना, तो इस पृथ्वी पर बिल्कुल जीवन नहीं था। जितना गर्म सूर्य उतना गर्म पृथ्वी, तो जीवन कहां से आता? फिर जो उल्का पिंड पृथ्वी पर आए, तो उल्का पिंड के आने के कारण वो उल्का पिंड अपने साथ आइस क्यूब लेकर के आए थे, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लेकर के आए थे। ठीक है, और वो बर्फ के टुकड़ों के चलते यहां पर इवोपोरेशन हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, और कई वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक इस पृथ्वी पर बारिश होती रही, जिसके चलते पृथ्वी का 78% लगभग 78% जो भाग है, ठीक है, आपका नियरेस्ट ऐसे हम लोग कहे तो 73% ऑलमोस्ट, कितना 73% पृथ्वी का जो भाग है वो किस चीज से गिर गया? पानी से। फिर पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा हुआ, और जो कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, जो धरती पर आने वाला पहला ऑर्गेनिज्म था, नाम याद कर लो, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यह धरती पर आने वाला क्या था? तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था। तो ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि बायोमोलिक्यूल्स के रूप में उल्का पिंड ही धरती पर जीवन लेकर के आए थे, और समुद्र के अंदर, पानी के अंदर डाल दिए थे, जहां से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। तो ये उल्का पिंड कई बार पृथ्वी पर गिरे, जिसके कारण कई बार पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है जिस समय पृथ्वी पर केवल डायनासोर थे, तो डायनासोर जिस समय पृथ्वी पर थे उस पीरियड को कहा जाता है जुरासिक पीरियड, और उस इरा को कहा जाता है मेजोजोइक इरा। ठीक है, तो मेजोजोइक इरा या जुरासिक पीरियड में धरती पर केवल कौन था? डायनासोर। तो अचानक से जो डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी, वो किसके कारण हुई थी? तो उल्का पिंड के धरती पर गिरने के कारण ही डायनासोर की प्रजाति भी जो थी वो समाप्त हुई थी, ऐसा अलग अलग वैज्ञानिकों का दावा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या
9, सूर्य के चारों ओर 88 दिन में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर 88 दिन में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? मरकरी, वेनस, मार्स या सैटर्न? फटाफट बताइए, 88 दिनों में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? लगातार आंसर आने लगा, ए ए ए, बुध लोग कह रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, फॉलो किसी दूसरे के आंसर को मत किया करिए, अपना आंसर खुद तैयार करिए, फिर बताइए, मजा आएगा। फटाफट बताइए, वेरी गुड, जितने सारे लोग बुध कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। मरकरी जो है वो 88 दिन में क्या करता है? चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य का। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? ठीक है, टैंक का नाम बताना है, आधुनिक टैंक, सबसे लेटेस्ट टैंक। ऑप्शन ए है भीम, बी है आकाश, सी है अर्जुन, डी है पृथ्वी। सबसे आधुनिक टैंक कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सबसे आधुनिक, द लेटेस्ट टैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे आधुनिक टैंक कौन सा है? कौन सा टैंक है सबसे आधुनिक? वेरी गुड, जितने सारे लोग अर्जुन कह रहे हैं सभी लोगों का जवाब सही है। अर्जुन जो है वो क्या है? सबसे आधुनिक टैंक है। अर्जुन याद कर लीजिए, अर्जुन जो है यह सबसे क्या है? आधुनिक टैंक है, सबसे लेटेस्ट टैंक है। बाकी मिसाइल्स है, ठीक है, मिसाइल्स है, जिसे बनाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से कहा गया। पृथ्वी, तेजस, नाग है ना, आकाश, ये सब जो मिसाइल्स बनी भारत में, जिनका कंट्रीब्यूशन किने जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ठीक है, किसने यह बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है? बिल्कुल इतना ही आसान क्वेश्चन पूछता है, इतना अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, 30 out of 30 आ रहा है, तो तनाव रहित रहिए एकदम। फटाफट बताइए, किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कॉपरनिकस, टॉलमी या फिर स्ट्राबो। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप निश्चित रूप से एक बार लगा लीजिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप घटना चक्र का बुक फॉलो कर सकते हैं, और घटना चक्र में जितना भी प्रश्न बीपीएससी पिछले 12-14 सालों में पूछा है, वो सारा का सारा प्रश्न एक बार खुद से पढ़िए, पूरे बुक को देख लीजिए कि क्या क्या प्रश्न किस किस पैटर्न पर दिया जा रहा है, अपने आप तनाव फ्री हो जाओगे, कुछ लेबल नहीं रहता है, ठीक है, सब बनने वाले प्रश्न रहते हैं। फटाफट बताइए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है? फटाफट बताइए, किसने बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है? सबसे पहले किसने इस बात को कहा था, बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने कहा है अरस्तु, सभी लोगों का जवाब सही है। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? पृथ्वी जो है वो कैसा है? गोलाकार है। अरस्तु के बारे में और भी कुछ चीजें हैं, ध्यान दीजिए, अरस्तु जो है इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक के साथ साथ अरस्तु को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, ठीक है, जहां पर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए, और इन्होंने ही बताया था क्या कि पृथ्वी जो है वो कैसा है? गोलाकार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दीजिए, आकाशीय पिंड जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है वो क्या कहलाते हैं? वैसे आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच में है उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। हाँ, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न ही आपसे कराया जा रहा है, आप बनाइए, पहले सेशन में पार्टिसिपेट आप करिए। फटाफट बताइए, आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह इन दोनों के बीच में है उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, या फिर धूम केतु या कॉमेट कहते हैं? फटाफट बताइए, प्रश्न संख्या 12। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने कहा है क्षुद्र ग्रह, सभी लोगों का उत्तर सही है। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहां पर है? तो ये याद कर लीजिए, मंगल और बृहस्पति इन दोनों के बीच में है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? आसान ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ध्यान से बताइए,
कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, वायरस से होने वाला नहीं है, फटाफट बताइए। वैसे रोगों का नाम बताइए जो वायरस जनित नहीं है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। कौन सा रोग जो है इसमें वायरस से नहीं होता है? मारेक रोग, बेबियोसिस होता है, या फिर ब्लू टंग, या फिर रानीखेत रोग? फटाफट बताइए कौन सा रोग जो है वो विषाणु जनित नहीं है, विषाणु जनित नहीं है, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने बेबियोसिस कहा है सभी लोगों का उत्तर सही है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? बेबियोसिस। जितने सारे लोगों ने बी आंसर टिक किया है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। बेबियोसिस जो होता है वो किसमें होता है जी, बताओ, मनुष्य में होता है क्या? बेबियोसिस किसमें होता है? मनुष्य में होता है? नहीं। किसमें होता है? पशु में, जानवरों में होता है। और जानवरों के किस अंग को प्रभावित करता है, याद कर लीजिए, आरबीसी। बेबियोसिस जो रोग है यह जंतुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो रक्त को प्रभावित करता है। वहीं पर जो दूसरा है, आपसे एक प्रश्न है, बताइएगा रानीखेत जो रोग है यह किनको होता है? रानीखेत बीमारी जो है, रानीखेत जो है वो किसको होता है? वेरी गुड, जितने सारे लोग कह रहे हैं पंछियों को, तो रानीखेत बीमारी किस को प्रभावित करता है? पंछियों को होने वाली बीमारी है। कौन सा? रानीखेत। हाँ, मुर्गा जो लोग लिख रहे हैं सही है, पंछियों को होने वाली बीमारी कौन सी है? रानीखेत। वहीं पर ब्लू टंग जो है, ब्लू टंग डिजीज, यह किसको प्रभावित करता है? भेड़ को। किसको करता है? भेड़ को प्रभावित करता है। और ये तीनों बीमारी जो है वो मुख्यतः किस तरह का हो जाएगा? तो वायरस से। तो वायरस से नहीं होने वाली बीमारी कौन सी है? बेबियोसिस डिजीज जो है वो वायरस से नहीं होने वाली बीमारी है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, किस अंग के गड़बड़ी से मधुमेह होने की संभावना रहती है? किस अंग के गड़बड़ी से मधुमेह होने की संभावना रहती है? हाँ, फटाफट बताइए, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह होने की संभावना है? यकृत जिसे लीवर कहते हैं, प्लीहा जिसे स्प्लीन कहते हैं, गुर्दा जिसे किडनी कहते हैं, या फिर पैनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं? किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह रोग होता है? वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने अग्नाशय कहा है, पैनक्रियाज, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक है। याद करिए, कर लीजिए दो तीन चीजें। देखो, हार्मोन जो होता है वह किससे स्रावित होता है? बाह्य स्रावी ग्रंथि से या अंतःस्रावी ग्रंथि से? देखो, पैनक्रियाज जो है यह हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। तो आप दो तीन चीजें याद करो, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, वो क्या निकालती है? हार्मोन। और जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा जिसे बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं, वो क्या निकालता है? तो वो निकालता है एंजाइम, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है यह हार्मोन भी निकालता है, एंजाइम भी निकालता है, इसीलिए पैनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। याद कर लीजिए, पैनक्रियाज को कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि यह हार्मोन भी निकालता है, एंजाइम भी निकालता है। तो पैनक्रियाज जो हार्मोन निकालता है, ये दो प्रकार का हार्मोन निकालता है, एक निकालता है इंसुलिन और एक निकालता है ग्लूकागन। पैनक्रियाज में मुख्यतः तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल और एक होता है गामा सेल। तो पैनक्रियाज का जो अल्फा सेल है ये निकालता है ग्लूकागन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागन। पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है यह निकालता है इंसुलिन हार्मोन, और गामा सेल जो है यह अल्फा और बीटा सेल को कई बार कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इंसुलिन के गड़बड़ी से ही कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन को स्रावित कौन करता है? पैनक्रियाज का बीटा सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज। तो जितने सारे लोगों ने पैनक्रियाज कहा है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? कौन सा रंग क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता है? नीला, लाल, पीला या हरा? फटाफट बताइए, फटाफट बताओ, कौन सा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? फटाफट बताइए, नीला, लाल, पीला या फिर हरा, जिसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है क्लोरोफिल। जितने सारे लोगों ने हरा कहा है सभी लोगों का जवाब सही है, ग्रीन कलर वाज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब इस तरीके का सीरीज शुरू हो गया, एक बार में आपका कई सारा प्रश्न तैयार होगा, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए पूरा। अब लगातार ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, तो ध्यान से पढ़ करके उत्तर दीजिए, फटाफट बताइए। प्रश्न है, सूची दिया गया है दो सूची, और ऑप्शन ए सूची वन में है मार्सोलो मैल्पिजी, लिनियस, मेंडल, थियोफ्रेस्टस। सूची है वर्गिकी के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, औतिकी के जनक और अनुवांशिकी के जनक। आपको मिलान करना है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। एक बार में चार से पांच प्रश्न आपका तैयार होगा। निभा कुमारी करे, क्लियर दिख नहीं रहा है, आप रेजोल्यूशन को बढ़ाइए मोबाइल का, दिखेगा क्लियर। थोड़ा और हम जूम करने का प्रयास करते हैं। अब बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए फटाफट बताइए। देखो ध्यान देंगे, यहां पर मालपीजी जो है, तो मालपीजी ने किसके बारे में अध्ययन किया था, तो मालपीजी ने अध्ययन किया था उत्तक के बारे में। तो औतिकी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, उत्तक का, टिश्यू का। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, क्या पूछा जाए, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो आप किसका नाम बताएंगे, मालपीजी का। मालपीजी को क्या कहते हैं, उत्तक विज्ञान का जनक, जैसे कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका का जनक लीवेनहॉक, वैसे ही उत्तक जो है ग्रुप ऑफ सेल से जो बनता है उसके जनक औतिकी हैं। औतिकी कहा जाता है, जनक कौन हो गया, मालपीजी। लिनियस, कैरोलस लिनियस, तो लिनियस का कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें था, तो वर्गिकी टैक्सोनॉमी में था। ग्रेगर जॉन मेंडल किसमें थे, तो अनुवांशिकी में थे। थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो अब आप आंसर मिला सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जितने सारे लोगों ने बी आंसर टिक किया है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। तो बी आंसर टिक करने वाले सभी लोगों का जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन तैयार हुआ है, तो सारे दोस्तों तक एक बार जरूर पहुंचा दीजिए। और जितने सारे लोग सेशन देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कि लाइक जरूर कर दो, आज आपका जो नॉलेज है वो कंप्लीट बायोलॉजी में पूरा हो जाएगा, इतना सारा परफेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जीवाणु विज्ञान, अणु विज्ञान, जैव विकासवाद और कोशिका, फटाफट बताइए, फटाफट मिलान कर करके बताइए। वेरी गुड, इस प्रश्न का सब लोगों का सही जवाब आ रहा है। जितने सारे लोगों ने ए टिक किया है, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ए जो है जीवाणु विज्ञान, इसके जनक किन्हें कहा जाता है, तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है अणु विज्ञान, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो अणु विज्ञान का जनक कहते हैं हम लोग पॉलिंग को कहते हैं। सी है जैव विकासवाद, तो जैव विकासवाद के जनक किन्हें कहा जाता है, तो डार्विन, जिन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, सब लोग जान रहे हो। और कोशिका जो है इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो जितने सारे लोगों ने ए आंसर टिक किया है, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर दीजिए। चार ऑप्शन है आपके पास, बायोलॉजी, इकोसिस्टम, प्रोटिस्टा, जाइमेज, टेंसले, लैमार्क व ट्रेवेरिनस, बुकनर या हैकेल। ऑप्शन चार है हैकेल, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आंसर दीजिए प्रश्न संख्या 18 का, 18 का उत्तर दीजिए। बहुत धीरे आंसर आ रहा है जी, कुछ लोग ए कह रहे हैं, ए आंसर आ रहा है, ए को कॉपी करना करने लगे, बताओ फटाफट, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर करिए। ए कैसे होगा, ए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ए। हाँ सही आंसर आने लगा डी, जितने लोगों ने डी आंसर टिक किया है, सभी लोगों का बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी। देखिए बायोलॉजी जो है, इस बायोलॉजी के बारे में, यानी बायोलॉजी का नाम, ठीक है, टर्म बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी नाम किसने दिया था,
तो बायोलॉजी नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लैमार्क और ट्रेवेरिनस। देखिए प्रश्न घुमाएगा, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया था। चलिए अगला है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? टेंसले थे, जिसके बारे में हम पहले कई बार सीरीज में अपने बता चुके हैं। अगला क्या है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है इसके बारे में बताने वाला किस वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक थे? हैकल। डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े होंगे तो मिशन 50 आईएएस पर मेरा इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी आप वहां पर देख सकते हैं। हैकल ने किसके बारे में बताया था? प्रोटिस्टा किंगडम। और इसी प्रोटिस्टा किंगडम में हम लोग मोनेरा पैरामीसियम इसी प्रोटिस्टा में हम लोग अमीबा पैरामीसियम इन सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा के बारे में बताने वाले हैकल। और जाइमेज जो है ये एक इंजाइम है जिसके बारे में बताया था किन्होंने? बुकनर ने बताया था। चलिए कितने लोगों का सही हुआ इसका, एक बार जल्दी जल्दी बता दो फटाफट कॉमेंट करके, कितने लोगों का यह प्रश्न सही हुआ है फटाफट कॉमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। सबसे छोटी स्वतंत्र कोशिका, सबसे बड़ी स्वतंत्र कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में एक कोशिकीय शैवाल। वेरी गुड, इतने लोगों का सही है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, जिनका गलत है वो आगे ट्राई करिए, अभी और भी कई सारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो ध्यान से बनाइएगा, फटाफट ध्यान से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, गलत हुआ उसमें भी कोई तनाव नहीं लेना। बताइए सबसे स्वतंत्र कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में एक कोशिकीय शैवाल, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने बी कहा है सभी लोगों का उत्तर सही है, बी जितने लोगों ने बताया है सभी लोगों का जवाब सही है। देखिए सबसे छोटी स्वतंत्र कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम हमने कई बार चर्चा किया है, PPLO, PPLO, P मतलब प्लेन, फिर P मतलब निमोनिया, L मतलब लाइक, O माने ऑर्गेनिज्म, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ। और अगर PPLO ऑप्शन में नहीं रहता, यहां पर अगर लिख दिया जाता माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, तो ये भी अगर ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है तो दोस्त ये भी सही हो जाता है। तो सबसे छोटी स्वतंत्र कोशिका जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो PPLO, या फिर यहां पर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता तो वो भी बिल्कुल सही था। ठीक है, उसके बाद है सबसे बड़ी स्वतंत्र कोशिका, तो सभी लोग जान रहे हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, यह क्या है? सबसे बड़ी स्वतंत्र कोशिका है। ऑप्शन सी आपका क्या है? तो सी में है सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में, तो नर्व सेल, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, यह क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। और एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिटा बुलेरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा पौधा, ठीक है, तो एसिटा बुलेरिया नाम याद रख लो, यह क्या है? सबसे छोटा पौधा, स्मॉलेस्ट प्लांट अगर धरती का पूछा जाए, स्मॉलेस्ट प्लांट ऑन द अर्थ, तो क्या बोलिएगा? एसिटा बुलेरिया। अगर पूछा जाए आपसे सबसे लंबा पौधा, सबसे लंबा पौधा धरती का, तो कुछ लोग कहेंगे यूकेलिप्टस, लेकिन यूकेलिप्टस से भी बड़ा पौधा है सिकोवा। क्या नाम है? सिकोवा। तो लार्जेस्ट ट्री ऑन द अर्थ पूछा जाता तो क्या हो जाता? सिकोवा। याद करिए फिर से, देखिए सबसे छोटी स्वतंत्र कोशिका PPLO, PPLO के जगह पर अगर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता तो वो सही हो जाता। ऑप्शन बी है सबसे बड़ी स्वतंत्र कोशिका, तो ऑस्ट्रिच एग, जिसे शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। ऑप्शन सी है सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर के अंदर, तो नर्व सेल, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल, तो एक कोशिकीय शैवाल एसिटा बुलेरिया, जिसे सबसे छोटा पौधा कहते हैं, स्मॉलेस्ट प्लांट ऑन द अर्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है प्रोकैरियोटिक, फिर है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी, यूकैरियोटिक अवशेषी, फटाफट बताइए, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसे। चलिए अब सही है, फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं आज का इंफॉर्मेशन आपके लिए सबसे यूनिक है,
इसलिए सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर देंगे, फटाफट फटाफट लाइक भी जरूर कर देंगे, ताकि और भी बेहतरीन प्रश्न इंग्लिश में क्वेश्चन, हाँ इंग्लिश में बाकी के प्रश्न थे लेकिन ये ऐसे प्रश्न है जिसका इंग्लिश बहुत अलग नहीं है, इसलिए आप अगर ध्यान से पढ़े तो आंसर आप बना सकते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहला है ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, बी है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, सी है यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी, यूकैरियोटिक अवशेषी, सूची टू से मिलाना है आपको, एक नंबर में है कवक, मोनेरा, पादप या फिर प्रोटिस्टा, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने ए आंसर टिक किया है सभी लोगों का उत्तर सही है ए। देखो प्रोकैरियोटिक जो है वो प्रोकैरियोटिक कौन है, तो याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक धरती पर केवल एगो जीव है, कौन, बैक्टीरिया, कौन है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें किया जाता है, मोनेरा में, किसमें किया जाता है, मोनेरा में। मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसके बारे में हम लोग केवल किसमें पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में। आज के सीरीज में पूरा बायोलॉजी को हमने एक में मिला देने का प्रयास किया है इस सीरीज में, ठीक है, तो पूरा कई दो तीन बार जरूरत पड़े तो दो तीन बार वीडियो देखिएगा, लेकिन सारा एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए, ताकि अगर यह प्रश्न रिपीट हो जाए तो वो गलत एग्जाम में आप करके मत आइएगा। चलिए दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी है, तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय कौन सा किंगडम होता है, प्रोटिस्टा, याद करो अमीबा, इसी प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है जी, अमीबा आता है। तो अमीबा कैसा होता है, एक कोशिका का ही ना होता है, और अमीबा के अंदर केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, तो एक कोशिकीय भी हो गया, यूकैरियोटिक भी हो गया, तो वही तो यहां पर कह रहा है यूकैरियोटिक एक कोशिकीय। सी है यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी, तो यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी कौन है, तो यूकैरियोटिक जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वो कौन होते हैं, तो पौधे होते हैं, कवक तो करेगा नहीं। और यूकैरियोटिक अवशोषी जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, वो कौन होते हैं, कवक होते हैं, फंजाई होते हैं। तो जितने सारे लोगों ने ये आंसर दिया है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। कुछ अवांछनीय लोग फालतू का जो कमेंट कर रहे हैं, दूसरे के कमेंट पर ध्यान न दें, अपना आप सीरीज पर फोकस करिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कमेंट पर कम ध्यान दीजिए, सीरीज पर अधिक ध्यान दीजिए जो लोग सीरियस कैंडिडेट है। चलो बताओ इसका क्या उत्तर होगा, हैजा, ऑप्शन बी है प्लेग, सी है तपेदिक जिसे टीबी भी कहते हैं, ठीक है, तपेदिक को याद कर लो क्या कहते हैं, टीबी। उसके बाद है टाइफाइड, बैक्टीरिया का नाम सब लिखा हुआ है, मैच करना है आपको, क्या होगा इसका उत्तर, सही 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 उत्तर क्या होगा बताइए, आपको मिलान करना है, फटाफट बताइए, फटाफट मैच करिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, हाँ सही जवाब आने लगा, ये प्रश्न ऑलमोस्ट सारे लोगों का सही है, वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने ए कहा है सभी लोगों का उत्तर सही है। देखो हैजा जो है, हैजा किससे होता है, तो हैजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉलरा, क्या कहते हैं, कॉलरा, तो कॉलरा मिला दो, विब्रियो कॉलेरी। उसके बाद है प्लेग, तो प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस। तपेदिक टीबी कहां गया, साल्मोनेला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, मैच कर दीजिए, आसान है, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन था, वेरी गुड, हाँ तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ए हो जाएगा, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ए, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड, टाइफाइड का जांच का नाम बताए थे आप लोगों को, याद है कौन सा होगा, विडाल, क्या होगा, विडाल। फिर ट्यूबरकुलोसिस किसको प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। विब्रियो कॉलेरी एकमात्र ऐसा रोग जो जल जनित है, जल जनित, ऐसे जो टाइफाइड भी होता है, ये भी वाटर कम्युनिकेबल भी है, लेकिन मेन जो वाटर कम्युनिकेबल डिजीज है वो कॉलरा होता है। उसके बाद पेस्टिस जो है वो किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लेग, जो कैसे फैलता है, तो प्लेग चूहा के काटने से, चूहा के संक्रमण से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, नेक्स्ट है सूची एक को दो से मिलाइए, पाइनस, नाइट्रिफिकेशन, मक्का, मृदा उर्वरक। सूची दो है नील हरित शैवाल, वायु परागण, जिम्नोस्पर्म, लेग्यूम।
फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? सी ए। कुछ पढ़ने में टाइम लग रहा होगा, हम समझ सकते हैं। ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए, आराम से ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। गलत उत्तर देने से अच्छा है ध्यान से पढ़ के सही उत्तर दिया जाए। कंफ्यूजन है बहुत लोगों को, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। ए यानी पाइनस जो है वो, पाइनस क्या है? तो एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म सब लोग समझ रहे होंगे। देखो जिम्नोस्पर्म जो है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, प्लांट दो प्रकार के, क्रिप्टोगैमस फेनेरोगैमस, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? फेनेरोगैमस होता है। इसमें फूल तो नहीं होता, लेकिन प्लांट के सीड में सीड कोट जो होता है, क्या सीड कोट, वह क्या हो जाता है? एब्सेंट। इसलिए जिम्नोस्पर्म को हम लोग हिंदी में नग्न बीजी प्लांट भी कहते हैं। चलिए उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या हो जाएगा? लेग्यूम। बताए तो थे दलहनी पौधों में जो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया काम करता है वो। उसके बाद है मक्का। तो मक्का क्या चला जाएगा? वायु परागण। वायु में क्या होता है? इसका पॉलिनेशन होता है। और मृदा उर्वरक जो है, तो मृदा उर्वरक एक ऑप्शन बच जा रहा है, क्या? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। यह क्या काम करता है? तो मृदा का अपरदन करता है, मिट्टी के कटाव को यह क्या करता है? मृदा को, सॉरी, उर्वरक बनाता है। चलिए फटाफट बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर दीजिए। 23 है सरकेजिया, स्पाइरोजोआइट, ब्लैडर वॉर्म, थ्रेड वॉर्म। मैच करना है, पांच ऑप्शन है। ये और कॉम्प्लेक्स बनाया है मैंने, पांच ऑप्शन है इसमें, ध्यान से बताइए। यूपीएससी प्रिया शर्मा, आज मेरा बहुत गलत हो रहा है सर जी, डोंट वरी। फटाफट बताइए सर, इसमें बहुत गलती होता है, कैसे सही होगा? प्रैक्टिस, रिवीजन करिए, बुक पढ़िए, सही हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर दीजिए, 23 का बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ए। देखिए ध्यान से, सरकेरिया जो है, तो सरकेरिया क्या होता है? एक प्रकार का ट्रेमाटोड है, ठीक है। क्या है? ट्रेमाटोड है। ऑप्शन बी है स्पाइरोज्वाइट। तो स्पाइरोज्वाइट जो होता है, यह क्या होता है? एक प्रकार का प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो क्या काम करता है, पिछले क्लास में याद करो आपको हमने बताया था, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है, वो मानव शरीर में जब प्रवेश करता है तब उसको क्या बताए थे, याद आ रहा है? स्पोरोजोइट्स बताए थे। स्पोरोजोइट्स मतलब वह मोटाइल हो जाता है, गतिशील कर जाता है, तो याद होगा। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया नामक रोग होता है। तो स्पोरोजोइट का मतलब क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्लैडर वॉर्म। तो ब्लैडर वॉर्म जो है ये क्या होता है? तो एक प्रकार का टेप वॉर्म। एनिमल किंगडम आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। चलिए, और थ्रेड वॉर्म जो होता है, या थ्रेड वॉर्म क्या होता है? तो यह एक प्रकार का नीमाटोडा होता है। विष वॉर्म ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब निकल करके आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जिस पर मैंने पिछले क्लास में भी यह सीरीज कराया था। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, सूची एक को दो से सेम है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बस, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोसिस, चार ऑप्शन है। इसको मैच करिए, फटाफट मैच करिए। आज के सीरीज में जिसे अच्छा परफेक्ट नंबर आ गया, फिर आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, फटाफट उत्तर दीजिए क्या होगा। फटाफट उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। मैच करिए, थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो, थ्रोम्बोसाइट्स क्या किसे कहते हैं? तो याद करिए, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है? ब्लड के प्लेटलेट्स को। क्या होता है इसमें? प्रोथ्रॉम्बिन और फ्रिम्ब्रिनोजेन। तो प्रोथ्रॉम्बिन क्या काम करता है? रक्त को क्लॉट करता है। तो प्रोथ्रोम्बोसाइट्स किसे कहेंगे हम लोग? ब्लड प्लेटलेट्स को कहेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपका थ्रोम्बस है, तो थ्रोम्बस किस में चला जाएगा, रक्त वाहिनी में बना थक्का। जब रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं, यानी वेन आर्टरीज या कैपिलरीज में ब्लड क्लॉट हो जाए, जिसके चलते कैपिलरीज कई बार फट जाती हैं, तो क्लॉट हुए ब्लड को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बस बोला जाता है। ऑप्शन सी है थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन कहां चला जाएगा, रक्त प्रोटीन का विघटन करने वाला इंजाइम, रक्त में जो प्रोटीन है उसे तोड़ने वाला इंजाइम हो जाएगा, और थ्रोम्बोसिस मतलब क्या हो जाएगा, स्कंदन। वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था सी, सभी लोगों का जवाब सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट है, बताइए एक्सरे, एक्सरे पुंस, रेडियोधर्मी समस्थानिक, परास्रवी तरंगे, चुंबकीय अनुनाद, मैच करना है, बताइए फटाफट, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट जवाब दीजिए, मैच करिए। फटाफट बताइए, हाँ जितने सारे लोगों ने बी आंसर कहा है सभी लोगों का जवाब सही है, बी लगातार आंसर आ रहा है, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, सी नहीं होगा, बी बी बी, हाँ चलो मैच करते हैं, देखते हैं। एक्सरे, तो एक्सरे क्या हो जाएगा, कहां जाएगा, सीटी स्कैन। रेडियोधर्मी समस्थानिक यह कहां जाएगा, तो पीजीआई स्कैन। परास्रवी तरंगे, तो परास्रवी तरंग जो होगा वो क्या होता है, तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से कौन सी तरंग, परास्रवी तरंग। चुंबकीय अनुनाद जो है यह कहां जाएगा, तो ये लास्ट में आ जाएगा, एमआरआई, एमआर, एमएमआर। चलिए जितने सारे लोगों ने इसको मैच किया है बी से, सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, बस चार प्रश्न और बच रहा है, ध्यान से बनाइए, ध्यान से बताइए। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन, थायरोक्सिन, फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट सर प्लीज थोड़ा मिलाने का टाइम दीजिए, रितु कुमारी, हाँ टाइम तो दे ही रहे हैं, आप मिलाइए आराम से बनाइए। फटाफट बताइए, आंसर आने लगा, बहुत लोग ए कह रहे हैं लगातार, ए आंसर आने लगा। आज मैच का मतलब, मैच क्वेश्चन कराने का केवल ये उद्देश्य था कि एक प्रश्न से हम कई सारे प्रश्न आपकी क्लियर कर दे, तो आज ऑलमोस्ट जहां तक हमें लग रहा है 120-125 क्वेश्चन आज आपका तैयार हो रहा है, तो ध्यान से बनाइए क्या होगा इसका उत्तर, बहुत आसान आसान प्रश्न है, ध्यान से बनाइए, सही उत्तर आप दे पाएंगे, फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। हाँ वेरी गुड, ये सबका सही जवाब आ रहा है, जितने सारे लोगों ने ए टिक किया है सभी लोगों का उत्तर सही है। देखो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक मतलब सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, एसटीएच, तो एसटीएच को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, याद कर लीजिए, इसी को क्या कहा जाता है, तो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को ही हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और इस ग्रोथ हार्मोन को कौन सेक्रीट करता है, तो इसे सेक्रीट करता है प्यूटिटरी ग्लैंड, कौन करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसे प्यूस ग्रंथि कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसे सेक्रीट कौन करता है, तो वृषण सेक्रीट करता है। एस्ट्रोजेन, इसे कौन सेक्रीट करता है, तो इसे सेक्रीट करता है एस्ट्रोजेन को डिंब ग्रंथि। और थायरोक्सिन को कौन स्रावित करता है, तो इसे स्रावित करता है थायरॉइड ग्लैंड। बिल्कुल सीधा सीधा जाना था इस तरीके से, सीधा सीधा। चलो अब एक दो चीज ध्यान दो, एसटीएच हार्मोन अगर शरीर में ज्यादा बनने लगे, आवश्यकता से अधिक, प्यूटिटरी ग्लैंड बनाया एसटीएच, इसी को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यह क्या काम करता है, तो हड्डियों की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है, हड्डी की लंबाई को बढ़ाता है। अगर किसी में यह ज्यादा सेक्रीट हो जाए तो उसे कौन सी डिजीज हो जाती है, एक्रोमिगैली, कौन सी डिजीज, एक्रोमिगैली, या फिर उसी को कहते हैं जाइंटिज्म, जाइंटिज्म रोग कहा जाता है, जाइंटिज्म, जाइंट मतलब क्या होता है, दानव, राक्षस, बड़ा लंबा, बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगा, तो जाइंटिज्म या एक्रोमिगेली। और यही हार्मोन अगर शरीर में कम बने तो कौन सा रोग हो जाता है, ड्वार्फिज्म, कौन सा रोग हो जाएगा, फिर ड्वार्फिज्म नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27, उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 27, बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट मिला दोगे, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो अच्छी बात नहीं है, कई बार यह हमने बताया है, फटाफट बताओ क्या होगा इसका उत्तर, कई बार हम यह बता चुके हैं, यह गलत नहीं होना चाहिए आपका, फटाफट बताओ क्या होगा इसका उत्तर,
फटाफट मिलाइए। डी कैसे कह रहे हो आप? ध्यान से पढ़िए, सब लोग कॉपी भी करने लगा। फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, आराम से मैच करिए फिर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। अब कुछ सही भी आ रहा है। हाँ वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने सी कहा है सबका सही है सी, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। देखो विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। कई बार लगातार यह प्रश्न आया, रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहता है, रात में नहीं दिखेगा, विटामिन ए। विटामिन बी जो है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो विटामिन बी नहीं, कुछ गलत जा रहा है। देखो पहले मैच कर लेते हैं, विटामिन ए से क्या हो गया, रतौंधी हो गया। विटामिन सी से क्या चला जाएगा, स्कर्वी चला जाएगा। विटामिन डी के कमी से हो जाएगा रिकेट्स, और विटामिन बी से हो जाएगा एनीमिया। विटामिन बी सिक्स से बेसिकली क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी सिक्स से क्या हो जाएगा, एनीमिया। हाँ मैच कर लीजिए, क्या है विटामिन ए से क्या हो गया, फोर हो गया रतौंधी, फिर वन से चला गया एनीमिया, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हाँ सही था आपका, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ डी ही होगा, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28, 28 का उत्तर दीजिए। अजोल मटर एजोटोबैक्टर आर्किड राइजोबियम कवक मूल एनाबीना और मृदा, मैच करिए। हाँ रितु कुमारी सर मैंने डी लिखा था, वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने डी लिखा है सभी लोगों का सही है। फटाफट बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर दीजिए। सी सी सी, वेरी गुड, जितने सारे लोगों ने सी कहा है बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा सी सी। ठीक है मैच करिए, देखिए ध्यान से, ठीक है सी में पहला क्या है, ए अजोल, तो अजोल किस में चला जाएगा, एनाबीना, एनाबीना नॉस्टॉक एनाबीना, नाइन्थ क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद मटर जो है, वह मटर क्या हो जाएगा, तो मटर चला जाएगा राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला फैक्टर है। मृदा में सॉइल नाइट्रोजन को क्या करता है, जड़ में फिक्स करने का काम किसका है, राइजोबियम का। एजेटोबैक्टर जो है वो कहां लगता है, तो मृदा में जाएगा। आर्किड क्या है, तो कवक मूल, जो कवक होता है फंगस होता है उसके रूट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्किड। काजल कुमारी कह रही है मेरा सही है, वेरी गुड, जितना सही है बहुत बहुत बधाई। चलो अगला प्रश्न बताओ, चलो नेक्स्ट इसका बताइए। ल्यूसीना क्लोनिंग गोबर गैस और चयन, चार ऑप्शन है, जैव तकनीक, जैव ऊर्जा, नई फसल, अनुवांशिकी। फटाफट बताइए, फटाफट आंसर करिए क्या होगा इसका उत्तर। ल्यूसीना क्लोनिंग गोबर गैस चयन, फटाफट बताइए, फटाफट बताओ। बी आंसर आने लगा, बी 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 लगातार सही है, जितने सारे लोगों ने बी कहा है सभी लोगों का बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है मैच करिए अब फटाफट। ए जो है ल्यूसीना, ल्यूसीना कहां जाएगा, तो यह एक प्रकार का नया फसल है, ठीक है। क्लोनिंग जो होगा वो कहां पर जाएगा, तो जैव तकनीक, क्लोनिंग समझ रहे हैं सब लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसे क्लोन शब्द दिया जाता है, तो क्लोनिंग कहां जाएगा, जैव तकनीक में। गोबर गैस, मिथेन गैस को ही क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, तो वो जैव ऊर्जा में जाएगा। और चयन जो है वो किस में जाएगा, अनुवांशिकी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, चलिए नेक्स्ट है। वृक्क यकृत श्वेत ग्रंथियां और फेफड़े, ऑप्शन है यूरिया का निर्माण, सीओ टू का निष्कासन, यूरिन का निर्माण या त्वचा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आंसर दीजिए। फटाफट बताओ,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। देखिए वृक जो है, वृक किसमें चला जाएगा? तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यकृत, यकृत का मतलब क्या हो जाएगा? लीवर। तो लीवर किसमें चला जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। स्वेद ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? त्वचा पर पाई जाती हैं। फेफड़ों का काम क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो जितने सारे लोगों ने सी दिया था, सभी लोगों का उत्तर सही है। तो आज के सीरीज से आपके 30 ही नहीं, कम से कम 100+ प्रश्न तैयार हुए हैं। हर चार ऑप्शन से चार नया प्रश्न आपने सीखा। अगर आज के इस वीडियो में आपको अगर अभी समझ ना आया हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जा करके आराम से, बाद में स्पीड को बढ़ा करके, ज्यादा डेटा भी आपका खर्च नहीं होगा, स्पीड बढ़ा करके आप तुरंत इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलेंगी उन्हें एक जगह पर कलेक्ट करके, लिख करके, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लेंगे, ताकि लास्ट टाइम में, और वो आपको रिवाइज करने में सहूलियत हो, आप उसको रिवाइज कर सके अच्छे से। और लगातार जुड़े हुए रहिए इस चैनल के साथ, और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है उनसे आप अपने नॉलेज को लगातार अपलिफ्ट करते रहिए। अपने दोस्तों तक अगर वीडियो को ज्यादा आपको अच्छा लगा हो तो सारे फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने सारे लोगों ने देखा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ फालतू के तत्व जो फालतू कमेंट में अपना अलग अलग चीजों को लिखा है, उन लोगों को इग्नोर करते हुए चलिए, ठीक है? बहुत ज्यादा माइंड पर स्ट्रेस नहीं लेना है, और फुल प्रिपरेशन करके, अपने तनाव को दूर करके पूरी तैयारी करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो ऐसी प्रार्थना। सबको धन्यवाद। थैंक यू।